अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं जी। तो मसालेदार पुलाव, खिले खिला जो है वो पुलाव किस तरह से तैयार किया जाता है, सिर्फ 20 से 25 मिनट में आप लोगों का दिल कर रहा है खाने को, तो इसे जो है वो चावल भी खिले खिले बने और मसालेदार, जिस तरह से हम लोग कहें कि वाकई में जो है वो पुलाव खाने का मज़ा ही आ गया। तो इस रेसिपी को आप लोग फॉलो करें, सिर्फ 20 से 25 मिनट आप लोगों के चावल जो है वो खिले खिले किस तरह से बनते हैं। तो बस शर्त ये है कि आपको ये वाली रेसिपी जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास घी या ऑयल जो भी है अवेलेबल आप लोग वो ले लें और इसमें जो है वो प्याज मिक्स कर दें, और जब तक जो है वो प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम लोग जो है वो मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला 1 टेबल स्पून ले लिया था, हल्दी मैंने ले ली थी 1/2 टेबल स्पून, कड़ी पाउडर 2 टेबल स्पून, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। और अगर आप लोग हंस पे जायका जितनी भी आप लोग खाना पसंद करते हैं पुलाव के अंदर या वैसे ही, तो आप लोग उतनी सुरख मिर्च डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च जो है मसालेदार पुलाव में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सुरख मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने मज़ीद डाल दी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक, हाँ 1 टेबल स्पून ले लें या जितने आप लोग हंसमे जायका नमक, तो आप लोग अपनी जो है वो मर्ज़ी से ही रखिएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ खोला मसाला डाल दिया था, उसमें जो है वो दालचीनी है, थोड़ी सी जो है वो काली मिर्चें हैं, और यहाँ पे जो है वो इलायची मैंने ले ली थी, और कड़ी पत्ता और इमली जो है आज मैं ऐसे ही चावलों के अंदर मिक्स नहीं करूँगी, मतलब कि पानी के अंदर, आज मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर दूँगी पानी के अंदर डाल के, इसका पानी नहीं ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो है वो प्याज ब्राउन हो चुके थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप लोग हरी मिर्चें भी जो है वो डालना चाहते हैं, तो क्योंकि मसालेदार पुलाव बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्चें इस तरह से लाजमी है, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेके इसमें 10 से 12 मिर्चें डाल के उसका पेस्ट अच्छे तरीके से बना के वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर फिर मैं ऐड कर रही थी, साथ साथ में मसाले को भी देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला, मेरे पास थोड़ा सा अवेलेबल था, ये देखिए। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो बस कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो खुले मसाले जो है वो थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लें। तो ये देखिए अब जो है वो जब से चार से पाँच मिनट हो गए थे अदरक लहसुन की पेस्ट को और हरी मिर्चों की पेस्ट को प्याज के अंदर, तो इसके बाद हम लोगों ने टमाटर नहीं ऐड किया, यहाँ पर हमने पहले मसाला ऐड कर दिया था, ठीक है। और मसाले को जो है वो अच्छे तरीके से भून लेंगे, और यहाँ पे मैंने साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था ताकि जो है वो हमारा मसाला भूनते हुए नीचे ना लगे, आप लोग भी साथ में जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर टमाटर ऐड कर देने हैं, जब थोड़ा सा आप लोग मसाला भून लें फिर आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मैं हमेशा से यही बात करती होती हूँ कि चावलों की जो है या सालन का दारोमदार उसकी भुनाई पे होता है, यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों ने भून लेना है टमाटरों को इसके अंदर ही, क्योंकि हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी टाइम दिया, और यहाँ पे जो है वो 4 से 5 मिनट जब टमाटर डालेंगे उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो उसको भी टाइम देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स कर दिया करें। अच्छा जी, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू वाला पुलाव, और मुझे तो मेरा आलू वाला पुलाव बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, सबका ही होगा भाई। चिकन बिरयानी या चिकन पुलाव का अपना ही मज़ा है और आलू पुलाव का भी अपना ही मज़ा है, बहुत ही मज़े का बनता है आलू पुलाव भी। और यहाँ पे मैं बना रही थी प्रेशर कुकर में, ये देखें जी, और फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे दही। देखिए मैंने दही डाल दी थी, आप लोगों ने भी ट्राई करना है कि इसके अंदर आप लोग जो है वो दही डाल दें, ठीक है। जब हम लोग मसाला भून रहे हों आलू को डाल के, जब हम लोग भूनेंगे तो उसके बाद ही फौरन आप लोगों ने जो है वो दही डाल देनी है। ये देखिए हमारे जो है वो आलू किस तरह से अच्छे अच्छे भून चुके थे और इनकी खुशबू भी पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। और जी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो है वो आलूओं को भून लिया है इसके अंदर।
आपने जो है वो टमाटर डाल के आलू को जब आप लोग डालेंगे ना, टमाटर जो है वो तो 4 से 5 मिनट भून लिए, और फिर आलू को भी आप लोगों ने जो है वो 7 से 8 मिनट भून लेना है। भूनने के बाद हम लोग जो है इसके अंदर पानी डालेंगे। यहाँ पे याद रहे कि मैं आप लोगों को पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी मज़ीद बताते चलूँ कि अगर आप लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, एक तो आप लोगों की टाइम की बचत है और दूसरा पानी की भी बचत है। वो इस तरह से कि अगर आप लोगों ने 5 गिलास चावलों के लिए है ना, तो यहाँ पे 6 गिलास सिर्फ पानी के ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। तो ये देखें, अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे इसको, पानी को, और बॉयल आने तक पानी कब वेट करेंगे कि कब बॉयल आता है और कब हम लोग जो है वो इसके अंदर चावल डालते हैं। तो बॉयल आ रहा है इसके अंदर, तो बस ये नहीं कि चावल आप लोगों ने डाल दिए हैं और फिर हम लोग जो है वो जब तक पानी नहीं खुश्क होता तब तक हम लोग जो है वो इसका वेट करते रहे, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखें, अब जब पानी अंदर बॉयल आया तो हम लोगों ने चावल डाल दिए हैं। तो फिर यहाँ पर बहुत ही मज़े का जो है वो मेन जो है वो टिप हमेशा की तरह मैं देने वाली हूँ कि चावल डालने के बाद जो है वो आप लोगों ने वेट नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है और बस 20 से 25 मिनट आप लोगों ने इसको देने हैं स्लो आंच पे। बस आप लोगों के चावल रेडी हैं जी। तो बस आप लोग जो है वो अब नमक चेक कर लें, यहाँ पे मैंने नमक चेक कर लिया था, उसके बाद आप लोग जो है वो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, और सीटी जो है वो तो लगानी ही है इसके ऊपर, बट आज मैंने आप लोगों को दिखाई है, इतनी स्लो आंच पे आप लोगों ने जो है वो प्रेशर कुकर रख देना है 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद हमारे चावल आप लोग देख सकते हैं किस तरह से खिले खिले हमारे चावल जो है वो रेडी हैं। मसालेदार पुलाव, खिले खिले चावल जब भी आप लोग बनाएं, झट से पट जो है वो चावल बनने, इस तरह से आप लोग जो है वो बना सकते हैं। और जब आप लोग जो है वो चावलों को 20 से 25 मिनट दम लगाएं ना, तो फिर आप लोग साथ में रायता बना लें। बस ये थी आज की मेरी वीडियो, आई थिंक आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि मुझे फर्स्ट दफ़ा देख रहे हैं, और जिन्होंने किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।